हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन दागन, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार का परस्मई पद और आत्मने पद। इसके पहले हमने पढ़ लिया है लट लकार और लिट लकार, जो हम पहले दो वीडियो में डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक। लट लकार का परस्मई पद के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज करनी पड़ेगी, और वो चीज ये है कि आपको फॉर्मूला लर्न करना पढ़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखो, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो फॉर्मूला अत अताम अन, आप ध्यान से देखें, बीच में प्लस का साइन लगाया है। प्लस का साइन क्यों लगाया है, इसका मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में आप फॉर्मूला लर्न करेंगे। अत अताम अन अह अतम अत, यहाँ पे अत में हलंत है, प्रथम पुरुष के एक वचन में अत में हलंत है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में अत में हलंत नहीं है, यही फर्क होता है इसमें। अम आव आम, अत अताम अन अह अतम अत आम आव आम, ये आपको याद रख लेना है बस। अब आप कोई भी धातु ले लें, पट धातु ले लें, भू धातु ले लें, जो भी आपको धातु लेनी वो आप धातु ले लें। मैं यहाँ पर पट धातु का सोच रहा हूँ, पट धातु हम ले लेते, पट मीन्स पढ़ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब जगह क्या लिख देंगे, पट लिख दो आप, पट लिख दिया भैया हमने, सब जगह हमने पट फट 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 लिख दिया। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर पिछले वीडियो, पिछले लट लकार और लिट लकार जैसा नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं आपको प्लस का जो चिन्ह मैंने लगाया है उसका मैं आपको बता दूं। प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, इसका मतलब है कि प्लस का जो चिन्ह लगा है जहां जहां वहां आपकी आएगी धातु, प्लस के चिन्ह मतलब बीच में आपको पुट करना है। तो ये आपका हो जाएगा आ, और यहाँ पे आएगा आपका ता, देखें आप आ, फिर बीच में पट धातु लगा दी, यहां प्लस का चिन्ह है वहां हमको पट धातु लगाना है। तो आ पटतम, आ पटतम, आ पठन, आ पट, आ पठत, आ पटतम, आ पठन, ये हो जाएगा आपका आ पठे। फिर इसके बाद यहां आएंगे तो ये हो जाएगा आपका आ पटतम, आ पटतम, और ये हो जाएगा आपका आ पठत, आ पठत, आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठह, आ पठतम, आ पठत। अब यहां पे देखेंगे तो हम आ पठम, और ये आपका हो जाएगा आ पठाव, और ये आपका आ पठाम, समझ गए। आ अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम, आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठे, आ पठतम, आ पठत, आ पठम, आ पठावे, आ पठामे। अगर मैं यहाँ पर भव धातु लेता, भू धातु लेता, तो आप भू भी लिख सकते थे, लेकिन भव यहाँ पर यूज करेंगे तो आ भवत, आ भवताम, आ भवन, आ भव, आ भवतम, आ भवत, आ भवम, आ भवाव, आ भवाम। तो इस तरीके से आपका ये भव धातु में परस्मई पद हो जाता है, लंग लकार मतलब कि आपका पास्ट टेंस, मतलब कि आपका भूतकाल में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आदि पद है परस्मई पद के बाद आत्मन पद। सो गाइस, अब हम आते हैं आपके लंग लकार में आत्मने पद पर। कहाँ आते हैं, आत्मने पद पर। आपको पता होना चाहिए आत्मने पद पर हम धातु का यूज जो हमारा है, ये आपको फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल सिंपल है। अत अयताम अंत, अथा अयथाम अध्वम, अइ आवही आ मही, बिल्कुल सिंपल है, सरल है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सही, साफ स्वच्छ लिखा है, कोशिश करी गई है साफ स्वच्छ लिखने की जितना मैं लिख सकता हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ तो आपको कम से कम बोलने में समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लव धातु लेते हैं, क्योंकि लव धातु आपकी आत्मपदेन धातु होती है, इसलिए मैं इसको लेता हूँ, तो लव को, तो अभी क्या हो जाएगा आ, बिल्कुल सेम टू सेम रूल, आ लवत आ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आ और ई, छोटा ई और आ मिलके ए बन जाता है, ए की मात्रा हो जाती है, तो आ लवे
ताम। आपको जो पहले वीडियो देखे थे आप उनमें देख सकते हैं कि छोटा आ की मात्रा और ई की मात्रा मिलके ए बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना छोटा और ई मिलके ए बनाएगा इस तरह से। तो आ लवेताम और हो जाएगा आ लवंत, आ लवंत। फिर इसके बाद आ जाएगा आ आ लव था और यहाँ पर ही वही आ फिर लाभे आ लवे थाम। ये ताम था ये थाम है और ये हो जाएगा आ लव ध्वम, आ लव ध्वम। अब आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे ई और आ का कंसेप्ट समझ लेना कि आ और ई मिलके ए बनते हैं। अब फिर यहाँ आएंगे तो देखो ये आ और आ और ई मिलके क्या बनाएंगे ए बनाएंगे तो आ लवे क्या हो जाएगा आ लवे और ये हो जाएगा आ लव वही और ये हो जाएगा आ लव मही, आ लव वही आ लव मही। ये आप समझ पा रहे होंगे आ लवत आ लवताम आ लवंत आ लव था आ लवे थाम आ लवधम आ लवे आ लव वही आ लव मही। तो ए की मात्रा क्यों चढ़ी ए की मात्रा इसलिए चढ़ी कि आ और ई मिलके ए बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो आत्मनेपदे था वो भी आपका खत्म हो गया है। तो आपका परस्मैपद पद और आत्मनेपद लंगलाकार में आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता हो कि धातु तीन तरह की होती है परस्मैपद आत्मनेपद और उभयपद। तो उभय मतलब जो दोनों तरह का व्यवहार शो करती हैं और आत्मनेपद सिर्फ आत्मनेपद में होती हैं और जो परस्मैपद जो परस्मैपद होती हैं। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पर इंस्टा पर। और आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर। अगर आपको हमसे कोई पर्सनल डाउट समझना है, लाइव क्लासेस चाहिए, हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।